हेलो दोस्तों, यू वेलकम आरके जेड थिएटर में। आरके जेड आपके लिए हमेशा एक्टिंग से रिलेटेड जो भी खास टिप्स लेकर आता है वो लेकर आता रहा है। और आज हम जो आपके लिए लेकर आए हैं वो है मूवी रिव्यू। एक एक्टर एक अभिनेता के लिए नई नई फिल्में जो बॉलीवुड में आती हैं उन्हें देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इसके साथ ही वो जो मूवी के रिव्यू होते हैं उसमें अभिनेता जो एक्टिंग करते हैं उन पर भी उसकी नज़र जानी चाहिए। उसे जो मूवी रिव्यू होते हैं वो पढ़नी चाहिए, स्टोरी को समझना चाहिए, जो निर्देशक है उसके बारे में जानना चाहिए। एक अभिनेता के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो पहले दिन पहला शो देख के आए और आकलन खुद से भी करे कि किस तरह की एक्टिंग की गई है। अगर मैं फिल्म रिव्यू की बात करूँ, इसमें जो फिल्म रिव्यू है इस फिल्म का अगर मैं पढ़ूँ तो इसमें यह है, कलाकार जो है इसमें अक्षय कुमार है, करीना कपूर है, कियारा आडवाणी है, दिलजीत दोसांझ है। तो अब बात करते हैं किस तरह की स्टोरी है। सबसे पहले बात करते हैं जो कहानी पूरी है वो कहानी है वरुण बत्रा और दीप्ति बत्रा और दीपू जो करीना कपूर हैं और वरुण बत्रा जो है अक्षय कुमार हैं। इनकी शादी को जो है पूरे 7 साल हो चुके हैं लेकिन उन्हें बच्चा नहीं है। इनके पास अच्छी नौकरी है, मुंबई में हाई सोसाइटी में घर है, पूरा परिवार सब कुछ है, लेकिन नहीं है तो एक बच्चा नहीं है। और दीप्ति को ऐसे में एक बच्चे की कमी खलती है। ऐसे में वरुण की बहन सलाह देती है कि दीप्ति और वरुण डॉक्टर आदिल हुसैन से मिलने, जो डॉक्टर हैं वो आदिल हुसैन है, वो उनसे मिलते हैं जहां डॉक्टर उन्हें IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से माता पिता बनने की सलाह देते हैं। दोनों राजी हो जाते हैं और सारी प्रक्रिया पूरी करते हैं। लेकिन अब यहाँ विलन बन जाते हैं, विलन जो बनता है इनका सरनेम बनता है बत्रा। वरुण और दीप्ति के अलावा उसी क्लिनिक में IVF से माता पिता बनने यहाँ आए हनी जो है दिलजीत दोसांझ है और मोनिका बत्रा कियारा आडवाणी है। ये दोनों कपल एक दूसरे से बिल्कुल उत्तर और दक्षिण है। एक मुंबई की हाई सोसाइटी बिजनेसमैन है तो दूसरा चंडीगढ़ का अलर्ट गवार है, कह सकते हैं अलर्ट देसी है, गवार नहीं कह सकते से। और वहीं अब डॉक्टर द्वारा IVF तकनीक से बड़ी गड़बड़ी हो जाती है और गड़बड़ी होती है स्पर्म्स का मिक्स हो जाना, एक दूसरे में अलग हो जाना, यानी कि हनी का स्पर्म दीप्ति में और वरुण का स्पर्म मोनिका में। अब दोनों कपल इस अटपटी स्थिति से कैसे निकलते हैं, उन्हें बच्चे का सुख मिलता है या नहीं, पूरी फिल्म है वो इसी किरदारों के बीच में घूमती है। और अगर अभिनय की बात करें, एक्टिंग, देखिए दोस्तों अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो आपको हर अभिनेता की एक्टर हो या एक्ट्रेस उसकी एक्टिंग को देखना चाहिए किस तरह से डायलॉग बोलता है। इसमें फिल्म के सबसे मजबूत पक्षों में से एक फिल्म की स्टारकास्ट है। अक्षय कुमार और करीना कपूर बतौर कपल बेहद शानदार दिखे हैं। उनके बीच का रोमांस, नोकझोंक, आवेग सभी हाव भाव खुलकर सामने दिखते हैं। खासकर करीना हर फ्रेम में जबरदस्त दिखती हैं। वहीं दिलजीत दोसांझ और कियारा आडवाणी की देसी जोड़ी स्क्रीन पर रंग भर देती है। उनका अंदाज चेहरे पर हंसी लाता है। कॉमेडी और इमोशन दृश्यों से ये चारों कलाकार खूब मजे लेते हैं। सह कलाकारों में आदिल हुसैन जो डॉक्टर बने हैं, टीस्का चोपड़ा ने अपने किरदारों के साथ साथ यहाँ पर न्याय करते हुए नजर आएंगे। अगर आप पहले दिन जाए, पहला शो देख कर आए तो जरूर आपको बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी इसमें। और दोस्तों अगर मैं निर्देशक की बात करूँ, डायरेक्टर के ऊपर बहुत बड़ा वो होता है जिम्मा कि वो किस तरह से फिल्म को प्रेजेंट कर रहा है, किस तरह से पूरी टीम को साथ लेकर चल रहा है। इसमें राज मेहता ने फिल्म के निर्देशक में ही नहीं बल्कि राइटिंग में भी योगदान दिया है। बतौर निर्देशक पहली फिल्म होने के बावजूद इस क्षेत्र में राज मेहता की मजबूत पकड़ दिखती है पूरी फिल्म के अंदर। IVF जैसे विषय पर एक रोमांचक फिल्म बनाना आसान नहीं होगा। फिल्म में जहां एक दृश्य आपको हंसी दिलाता है तो वही दृश्य देखकर आपको कुछ संवेदनशील महसूस करते हैं। लेकिन 2 घंटे और 13 मिनट की कहानी कहीं ना कहीं आपको बोर नहीं कर सकती है। कुछ एक डायलॉग असहज कर सकते हैं जो टाले जा सकते हैं और या टाले जा सकते थे। एक सीन में करीना और दीप्ति मोनिका कियारा से सवाल करती है कि तुमने बच्चा गोद क्यों नहीं लिया, तो मोनिका आंखों में आंसू लिए कहती है अपना बच्चा तो अपना ही होता है। इसमें यह निकल कर आता है कि कहीं ना कहीं यह संवाद आपत्तिजनक हो सकता था या हो सकता है। दुनिया में कैसे दंपति हैं जो बच्चे गोद लेते हैं, उनकी सही परवरिश करते हैं, लेकिन एडॉप्शन को गलत बताना सही नहीं होगा।
ऐसे में कह सकते हैं कि फिल्म बहुत जबरदस्त है, कॉमेडी से पूरी फिल्म भरी हुई है और दोनों कलाकार अपने अपने क्षेत्रों में बहुत अच्छा करते हैं। एक्टिंग के लिहाज से बहुत अच्छी फिल्म है, आप जरूर देख के आइएगा। मैं आपसे जरूर कहता हूँ कि पहले दिन पहला शो अगर आप अभिनेता बनना चाहते हैं तो हर एक्टर की फिल्म देखिए। और मैं आपके लिए इसी तरह अब जो शुरू कर दिया है मूवी रिव्यू, जो भी फिल्म आएगी लेटेस्ट फिल्म, अच्छी फिल्म जिसमें एक्टिंग दमदार होगी, मैं उसका मूवी रिव्यू आपके लिए लेकर आऊंगा ताकि आप एक्टिंग के अलावा भी अच्छी चीजों को देखते रहें। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है प्लीज लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब उन वीडियोस यूजर से जो पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, और कमेंट के लिए इसलिए कहूँगा कि कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट से क्या होगा कि मुझे जो है पता रहेगा कि मैं जो ये आपके लिए नया टिप्स लेकर आया हूँ या आपको अच्छा लगा या बेकार, आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई ब्रेक पर।